दोस्तों, आप सभी को छोटे पर्दे पर फेमस शो शकलाका बूम बूम तो याद ही होगा। ये शो 90 के दशक के हर बच्चे का मनपसंद शो हुआ करता था। इस शो में संजू के पास जादुई पेंसिल होती थी, जिसमें वो जो कुछ भी बनाता वो असली चीज में तब्दील हो जाती थी। इस शो के सभी कलाकारों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और इस शो के सभी किरदारों को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया। लेकिन इस शो के बाद ये किरदार कहीं गायब हो गए, इसलिए हमारी आज की वीडियो में हम आपको इस शो के सभी किरदारों से रूबरू करवाएंगे, जो इन बीते सालों में काफी ज्यादा बदल चुके हैं। आइए जानते हैं कौन है वो सितारे। नंबर 7, आदित्य कपाड़िया। आदित्य कपाड़िया ने इस शो में झुमरू का किरदार निभाया था, जिसे संजू ने अपनी मैजिक पेंसिल का इस्तेमाल करके बनाया था, जो हमेशा संजू के साथ रहता था। लेकिन आपको बता दें, इतने सालों में आदित्य काफी बदल गए हैं। ये पहले से ज्यादा हैंडसम और स्टाइलिश हो गए हैं, जैसा कि इनकी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इन्हें आखिरी बार सोनी एंटरटेनमेंट टीवी के शो बड़े अच्छे लगते हैं में देखा गया था। नंबर 6, शाइनी राज। शाइनी राज ने इस शो में रितु नाम की लड़की का किरदार निभाया, लेकिन इसके बाद ये कहीं गायब हो गई। लेकिन अभी कुछ समय पहले ही ये सबके सामने आई, तब इन्होंने बताया कि इस शो को करने के बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और आज ये एक स्क्रिप्ट राइटर बन गई है। इन बीते सालों में शाइनी काफी बदल चुकी हैं। अगर बात करें इनकी खूबसूरती की, तो ये पहले से ज्यादा खूबसूरत हो चुकी हैं, जैसे कि इनकी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। नंबर 5, मधुर मित्तल। मधुर ने इस शो में फनी किरदार टीटो का किरदार निभाया, जो किसी से नहीं डरता था और हर काम बड़े मजे से करता था। इस शो को करने के बाद वो कई मूवीज में भी दिखाई दिए, जिनमें ऑस्कर विनिंग स्लम डॉग मिलेनियर और सोल्जर आर्म जैसी सुपर हिट फिल्में शामिल हैं। लेकिन इन बीते सालों में ये काफी बदल गए हैं। ये उतने ही हैंडसम है जितना पहले थे, लेकिन इनके लुक्स में काफी बदलाव देखने को मिला है, जैसा कि इनकी तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। नंबर 4, रीमा वोहरा। रीमा ने इस शो में संजना का किरदार निभाया था। संजना ने इस शो में करुणा को रिप्लेस करके अपनी जगह बनाई थी। इनका इस शो में काफी मासूम किरदार था, जिसे काफी अच्छे से निभाया गया और इस शो को करने के बाद इन्होंने अपने अभिनय करियर को जारी रखा और कई शोज में ये नजर आई। बीते सालों में इनमें भी काफी बदलाव देखने को मिला। अगर बात करें इनकी खूबसूरती की, तो ये पहले से ज्यादा खूबसूरत और स्टाइलिश हो चुकी हैं, जैसा कि इनकी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। नंबर 3, अदनान जेपी। इस शो में अदनान ने जग्गू नाम के लड़के का किरदार निभाया था, जो हर किसी से डरता था। लेकिन वर्तमान में हर किसी से डरने वाला ये लड़का आज अपनी लाइफ को लेकर काफी सीरियस है और अदनान बीते सालों में काफी बदल चुका है। इनके लुक्स में भी काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं और वर्तमान में अदनान दुबई में रहते हैं और एक विज्ञापन एजेंसी में काम करते हैं। नंबर 2, किंचुक वैद। इस शो में किंचुक ने संजू का किरदार निभाया, जिसके पास जादुई पेंसिल होती है और वो इस पेंसिल की मदद से जो भी बनाते थे वो असल चीज में तब्दील हो जाती थी। इस शो में इनका ये किरदार लोगों को बड़ा पसंद आया। आज भी लोग इन्हें इस किरदार के लिए याद करते हैं। आपको बता दें, 19 सालों में किंचुक काफी बड़े हो गए हैं। अब ये 26 साल के हो चुके हैं। 26 साल के किंचुक काफी ज्यादा हैंडसम और स्टाइलिश दिखने लगे हैं, जैसे कि इनकी तस्वीर में आप देख पा रहे हो। दोस्तों, आपको बता दें, इन्होंने एक रिश्ता साझेदारी का और फिल्म राजू चाचा में भी काम किया है। नंबर 1, हंसिका मोटवानी। हंसिका ने इस शो में करुणा नाम की लड़की का किरदार निभाया, जो संजू की करीबी दोस्त होती है और हर मुश्किल में संजू का साथ देती है। इस शो में ये काफी क्यूट दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये क्यूट सी एक्ट्रेस आज काफी बड़ी और बोल्ड और खूबसूरत हो चुकी हैं। इस शो को करने के बाद हंसिका ने कई साउथ और बॉलीवुड की मूवीज में काम किया, जिसमें आपका सुरूर, गुबान और अंबाला जैसी फिल्में शामिल हैं। तो दोस्तों, आपको इन्हें देखकर अपने बचपन की याद आई तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही टीवी से जुड़ी और भी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें।